बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द लिमिट स्टार एकेडमी ऑफ साइंसेस। आज हम जनरल नॉलेज का जो पार्ट नंबर 17 है उनके रेलिवेंट जो एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ कैनेडा? तो इसका राइट ऑप्शन है मैकेंजी रिवर। इसकी जो लेंथ है वो 4211 किलोमीटर है। नेक्स्ट, विच कंट्री पास्ड अ लॉ टू लीगलाइज चाइल्ड लेबर फॉर किड्स फ्रॉम एज ऑफ 10th ऑन 18th of July 2014? तो इसका राइट ऑप्शन है बोलीविया। द हाइएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इज? तो इसका राइट ऑप्शन है निशाने पाकिस्तान। हु वॉज नाउन एज द एम्बेसडर टू द वर्ल्ड रिलीजियन? तो इसका राइट ऑप्शन है हस्टन स्मिथ। इनकी जो एज थी वो 97 ईयर्स थी। According to researchers from South China Agricultural University, which animal has been identified as potential link for novel coronavirus? तो इसका right option है pangolins. Which country is called as the land of poets? तो इसका right option है child. CIA stands for? तो इसका राइट ऑप्शन है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। इसके जो बानी है वो विलियम जे बर्न्स है। इसका जो क्याम है ये 18th of September 1947 में अमल में आया। विच प्लेयर हैज द हाईएस्ट टेस्ट इंडिविजुअल स्कोर फॉर पाकिस्तान? तो इसका राइट ऑप्शन है हनीफ मोहम्मद। और इनके जो स्कोर हैं वो 337 हैं जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाए हैं। नेक्स्ट, दूसरे नंबर पर इंजमामुल हक हैं जिन्होंने 329 स्कोर किए हैं। और तीसरे नंबर पे यूनिस खान हैं जिन्होंने 313 स्कोर किए हैं। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पुर्तगाल? तो इसका राइट ऑप्शन है लेवेंडर। फर्स्ट मीटिंग ऑफ यूएन जनरल असेंबली मीटिंग वाज हेल्ड ऑन? तो इसका राइट ऑप्शन है 10th of January 1946। और ये जो मीटिंग है ये सेंट्रल हॉल लंदन में मुनक्कद हुई। Who was the last Fatimid Caliph? तो इसका right option है अल अदीब। और जो Fatimid Caliph है इसका जो era है वो 909 से लेकर 1171 तक रहा है। Which TV program was hosted by Prime Minister Benazir Bhutto during 1970s? तो इसका right option है Encounter. टिंक इज द करेंसी ऑफ? तो इसका राइट ऑप्शन है काजकिस्तान। विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी? तो इसका राइट ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट ऑप्शन है ब्राजील। यहां पर मिस्टेकली स्विट्जरलैंड गलत लिखा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन है ब्राजील, जबकि दूसरे नंबर पर वियतनाम है और तीसरे नंबर पर कोलंबिया और चौथे नंबर पर इंडोनेशिया का नाम आता है। बहादुर शाह जफर वाज इम्प्रिजेंट इन? तो इसका राइट ऑप्शन है रंगोन। और ये मुगल एम्परर के लास्ट रूलर भी हैं। फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर ऑफ सऊदी अरेबिया टू यूएस इज? तो इसका राइट ऑप्शन है प्रिंसेस रीमा बिन बंदर। हु एस्टैब्लिश्ड द मुगल डायनेस्टी? तो इसका राइट ऑप्शन है जहीरुद्दीन बाबर। इन्होंने पानीपत की दूसरी जंग में इब्राहिम लोदी को शिकस्त दे के मुगल डायनेस्टी की बुनियाद रखी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इज लोकेटेड? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑस्ट्रिया वियना। द ऑथर ऑफ बुक पाकिस्तान हार्ड कंट्रीज? तो इसका राइट ऑप्शन है एनाटोल लाइवन। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? तो इसका राइट ऑप्शन है इस्लामाबाद, जिसको 14 अगस्त 1967 में कैपिटल बनाया गया। जबकि पाकिस्तान का जो पहला कैपिटल था वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस कराची को बनाया था। उसके बाद जो फॉर्मल कैपिटल, अगर हम पाकिस्तान के फॉर्मल कैपिटल की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का जो फॉर्मल कैपिटल है वो रावलपिंडी है, जिसको अयूब खान ने बनाया था। नेक्स्ट है, इब्ने बतूता विजिटेड इंडिया इन द रेन ऑफ? तो इसका राइट ऑप्शन है सुल्तान मोहम्मद तुगलक। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन नेशनल सिक्योरिटी इज एन इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ? तो इसका राइट ऑप्शन है मैक्सिको। द एपेक्स इलेक्टेड बॉडी इन इसराइल इज कॉल्ड एज? तो इसका राइट ऑप्शन है नेसेंट।
which is also the parliament of Israel. The famous book Gulliver's Travel was written by, so iska right option is Jonathan Swift. Which country is the most emitter of carbon dioxide from 2018? तो इसका राइट ऑप्शन है चाइना, जबकि दूसरे नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट और तीसरे नंबर पे इंडिया, चौथे पे जापान और पांचवें पे रशिया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ आइसलैंड? तो इसका राइट ऑप्शन है कोरोना। द ऑथर ऑफ नॉवल द ब्लूएस्ट आइज, तो इसका राइट ऑप्शन है टोनी मॉरिसन। द MiAMTSHVN इज द अटैक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर ऑफ विच कंट्री? तो इसका राइट ऑप्शन है रशिया। हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट पोएट ऑफ पश्तून लैंग्वेज? तो इसका राइट ऑप्शन है अमीर करोड़। वार्स ऑफ क्रूसेड स्टार्टेड इन? तो इसका राइट ऑप्शन है 1095। The theme for the World AIDS Day 2018 was, तो इसका right option है now your status. The land lying between the river Ravi and river Chenab is called as, तो इसका right option है Rachna Doab. Pine is a, तो इसका right option है tree. Which it is called as the coin of Adriatic? तो Venice को coin of Adriatic शहर के नाम से पहचाना जाता है। एग्रोस्टोलॉजी एग्रीकल्चर की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ग्रासेस के बारे में स्टडी करते हैं। साउथ एशियन नेशन के जो टोटल मेंबर्स हैं वो 10 हैं। पीरियोडिक टेबल में जो कॉलम्स हैं उनको ग्रुप्स का नाम दिया जाता है, जबकि जो रोज होती हैं उनको पीरियड्स का नाम दिया जाता है। लोस्ट इस्लामिक हिस्ट्री इज रिटन बाय, तो इस किताब के जो मुसन्निफ हैं वो फिरासुल खतीब हैं। Which is the official residence of President of Sri Lanka? तो इसका right option है President House. The Treaty of Paris was signed ending the Crimean War on, तो इसका सही जवाब है 30 मार्च 1856। Nelson Mandela got निशाने पाकिस्तान in which year? तो Nelson Mandela को 1992 में निशाने पाकिस्तान के एजाज से नवाजा गया। हेडक्वार्टर्स ऑफ द मल्टी नेशनल कंपनी नेस्ले इज इन, तो इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड। सुल्तान अहमद मोस्क जो कि इस्तांबुल में वाकया है, इसको बिलू मोस्क के नाम से भी जाना जाता है। कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल पटिसा स्कॉटलैंड का जो प्रोफेशन था वो बैरिस्टर था। सेपरेशन ऑफ यूके फ्रॉम यूरोपियन यूनियन इज कॉल्ड एज, तो इसका सही जवाब है ब्रेक्सिट। Which country is called as the Thunderbolt of Asia? तो भूटान को Thunderbolt of Asia के नाम से जाना जाता है। The book Higher Than Hope is the biography of Nelson Mandela is written by, तो इसका सही जवाब है फातिमा मीर। Rainbow River is situated in, तो इसका सही जवाब है कोलंबिया। Montevideo is the capital of which South American country? तो इसका right option है Uruguay। जो कॉइन रुपया है ये सबसे पहले शेर शाह सूरी ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया। कोरिया 1945 में दो हिस्सों में तकसीम हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमर्शियल क्रॉप? तो कॉटन जो है इनमें से कमर्शियल क्रॉप है, इसको कैश क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। The 17th Summit of Shanghai Corporation Organization was held in June 2017 in Astana. Where did its 18th summit held? तो इसकी जो 18वीं summit है वो चाइना में मुनक्कत हुई। Who was the ruler on District Deer at the time of independence? तो इसका सही जवाब है नवाब शाहजहान खान। The tenure of judge of International Court of Justice, तो इसका जो tenure है वो 9 साल तक होता है। Which city is called as the modern Babylon? तो इसका right option है London. The pyramids of sun and the moon are in which country? तो इसका सही जवाब है Mexico. Mohs scale is used to indicate the, तो इसका right option है degree of hardness of minerals. बाउंड्री लाइन बिटवीन कैनेडा एंड यूनाइटेड स्टेट इज, तो इसका राइट ऑप्शन है 49th पैरेलल लाइंस। हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड इज, तो इसका यहां पर जो सही जवाब है वो नानक दीज है। तो अदरवाइज अगर हम हाईएस्ट डैम की अगर हम बात करें तो 3
गोर्जिस डैम जो वर्ल्ड का हाईएस्ट डैम है जो कि चाइना में लोकेटेड है। इन विच ईयर द लाइन ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान वॉज बोर्न, तो इसका राइट ऑप्शन है 21 नवंबर 1750। टीपू सुल्तान 21 नवंबर 1750 में पैदा हुए और इनका जो इंतकाल था वो 1799 में हुआ। विच कंट्री मेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्लैंकेट इन जनवरी 2019, तो इसका राइट ऑप्शन है आयरलैंड। द साउथ पोल ऑफ द अर्थ इज लोकेटेड इन, तो इसका राइट ऑप्शन है पैसिफिक ओशन। विच फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट हैज नो वर्ल्ड कप, तो टेस्ट में कोई भी जो वर्ल्ड कप है क्रिकेट का वो नहीं होता, ODI और T20 का जो वर्ल्ड कप है वो होता है। ODI का जो वर्ल्ड कप है वो हर 5 साल बाद मुनक्कद होता है, जबकि जो T20 का वर्ल्ड कप है वो हर 2 साल के बाद मुनक्कद होता है। फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज रिलेटेड टू, तो इसका राइट ऑप्शन है डिमार्केशन ऑफ द बॉर्डर ऑफ बाउंड्री लाइन्स। विच सिटी इज कॉल्ड एज द वैली ऑफ फ्लावर्स, तो पेशावर को फूलों का शहर कहा जाता है जबकि कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है। Who wrote The Sun Also Rises, तो इस बुक के जो मुसन्निफ हैं वो हेमिंगवे हैं। What are the flat treeless plains of Argentina are called as, तो इसका राइट ऑप्शन है पंपास। The UN World Refuge Day is observed on each year, तो इसका राइट ऑप्शन है 20th of June। Empires of Lies, a new novel that imagines a world where one man is able to go back in time to alter history and allow the Ottoman Empire to, तो इसका right option है Raymond Horry। Italy का जो national bird है वो sparrow चिड़िया है। Which is the national flower of Bhutan, तो blue poppy जो है ये Bhutan का कौमी फूल है। Itaipu Dam is the second largest hydroelectric dam in the world after the Three Gorges Dam. It is located in Brazil. Itaipu Dam जो है ये ब्राज़ील में वाक़ है जबकि Three Gorges Dam जो है ये चाइना में वाक़ है। जीजी प्रेस इज द न्यूज़ एजेंसी ऑफ विच कंट्री, तो इसका सही जवाब है जापान। जीजी प्रेस जो न्यूज़ एजेंसी है वो जापान की है। मोस्टली बैंक नोट्स इन द वर्ल्ड आर मेड अप ऑफ वर्ल्ड, तो ज़्यादातर जो बैंक के जो नोट्स हैं वो कॉटन से बने हुए होते हैं। विच कंट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू UN आफ्टर USA, तो USA के बाद यूनाइटेड नेशन में जो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो चाइना का है। द नोवल मैडेम पोवरी वॉज रिटन बाय, तो इसका राइट ऑप्शन है गुस्टेव फ्लॉबर्ट। मेडन टावर जो है ये अज़रबैजान में है। अल जज़ीरा TV चैनल जो है ये कतर का है। कोर्टेक्स जनरल्स इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ, तो इसका सही जवाब है स्पेन। वट वॉज द नेम ऑफ द फर्स्ट मॉस्क इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इंडियन बर्र सगीर की जो सबसे पहली मस्जिद है वो चिरामन जुम्मा मॉस्क है। बहलोल खान लोदी असैसिनेटेड द चेयर ऑफ द दिल्ली सल्तनत ऑन, तो इसका सही जवाब है 19th of April 1451। थेरेसा मे वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो इसका राइट ऑप्शन है UK। What country is the largest producer of corn? तो इसका सही जवाब है United States. Hai Phung Fort is the seaport of, तो इसका सही जवाब है वियतनाम। Who founded the Achaemenid Empire? तो इसका सही जवाब है Cyrus the Great. How many states does Malaysia have? तो मलाइशिया की जो total states हैं वो 13 हैं। The season changes because of the, जो season है वो इस वजह से चेंजेस होते हैं क्योंकि जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। विच लैंग्वेज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फाबेट लेटर्स, तो इसका सही जवाब है कंबोडियन। करंटली विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स, तो सबसे ज्यादा जो टाइगर्स हैं वो इंडिया में हैं और दूसरे नंबर पर रशिया है। द स्टडी ऑफ लाइट एंड विजन इज ऑल्सो नाउन एज, तो इसका सही जवाब है ऑप्टिक्स। अकोस्टिक जो है ये साउंड की स्टडी होती है और एस्ट्रोनॉमी जो है ये गैलेक्सीज और स्टार की स्टडी है। व्हाट इज़ द टोटल मेंबरशिप ऑफ US सेनेट, तो US सेनेट के जो टोटल मेंबर हैं वो 109 है। 100 ईयर्स वार्स जो है ये इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान में लड़ी गई है। द स्टडी ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड एज, तो इसका सही जवाब है थियोलॉजी। इंटरनेशनल जोक डे हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। Who has taken highest number of wickets in ODI cricket for Pakistan?
तो सबसे ज़्यादा जो विकेट्स हैं वो पाकिस्तान के लिए वसीम अकरम ने ली हैं। और अगर हम ओवरऑल अगर हम बात करें तो मुरलीधरन ने ओवरऑल ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट ली हैं। द फर्स्ट टी ट्वेंटी इंटरनेशनल मैच वॉज हेल्ड ऑन 5 अगस्त 2014 बिटवीन इंग्लैंड एंड, सबसे पहला जो टी ट्वेंटी मैच है ये 5 अगस्त 2004 को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान में खेला गया। UNICEF स्टैंड फॉर, तो इसका सही जवाब है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। द प्लेस ऑफ रीजन ऑफ एन अर्थ क्वार्क इज कॉल्ड एज, तो इसका सही जवाब है सिस्मिक फोकस। करंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ UNO बिलोंग्स टू, तो इसका सही जवाब है पुर्तगाल। थैंक यू वेरी मच। काइंडली अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और हमारी जो वीडियोस हैं उनको अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर किया करें, और जो भी आपका फीडबैक हो उसको कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन किया करें। थैंक यू वेरी मच।